ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मैथ के सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी बनी रहे, और अगर आप चाहते हैं कि मैथ का सब्जेक्ट आपका फेवरेट रहे, और अगर आप चाहते हैं कि मैथ के सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए, तो इसके लिए जरूरी है कि मैथ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा मैथ आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा नंबर लाइन के बारे में है, रैशनल नंबर के बारे में। काफी डिटेल से आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम सीखेंगे कि किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करते हैं। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज की वीडियो का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन हमारा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि जो फॉलोइंग रैशनल नंबर है या कोई भी नंबर है, ठीक है, उसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रैशनल नंबर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 2/3, ये पहला रैशनल नंबर है। इस रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको नंबर लाइन के बारे में बता देता हूं। नंबर लाइन आपके पास ये सामने एक मैंने ड्रा की हुई है, दरमियान में जीरो का साइन है, जीरो लिखा हुआ है। आप इसके राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो 1, 2, 3 यानी कि पॉजिटिव नंबर आपको नजर आ रहे हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको -1, -2, -3 एंड सो ऑन, जितना नंबर लाइन को आगे आप चलाते जाएंगे नेगेटिव नंबर आते जाएंगे, इस तरफ पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, कोई भी एक रैशनल नंबर आपको दिया गया होगा, वो इस तरह फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फ्रैक्शन के बगैर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपकी बुक में या आने वाले जो क्वेश्चन है या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रैशनल नंबर दिया गया होगा, रैशनल नंबर को आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो इसमें तीन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, तीन जो बेसिक स्टेप है, तीन स्टेप को फॉलो करने के बाद आप रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर शो कर लेंगे, जैसे कि मैंने किया हुआ है। सबसे पहला ये काम करना है कि आप 2/3 को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, 2 को अंदर रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.666 आ रहा है, ठीक है। इससे हमें ये शो होता है कि ये वाला जो नंबर है 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा है, इससे मुराद है 0 और 1 के दरमियान आएगा, ठीक है। तो इससे कुछ आइडिया हो जाता है ये नंबर नंबर लाइन के ऊपर किधर आता है, क्योंकि वैसे भी 2/3 को देखें तो हमें आइडिया नहीं होगा कि 2/3 नंबर लाइन के ऊपर कहां आ रहा है, लेकिन इसको डिवाइड करके देख लेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि नंबर लाइन जो है, ये नंबर जो है नंबर लाइन के ऊपर कहां पे आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 2/3, तो 2/3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है कैसे करेंगे, इसके तीन स्टेप हैं। सबसे जो पहला स्टेप 1 जिसको कहते हैं, स्टेप 1 है कि आपने देखना है कि आपको जो दिया हुआ रैशनल नंबर है, तो जो भी नंबर आपको दिया हुआ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सबसे पहला काम करना है, कोई नंबर पॉजिटिव में या नेगेटिव में। जहां पे ये वाला जो नंबर है ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये इस तरफ आएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड पे आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। क्योंकि ये वाला नंबर पॉजिटिव है इसलिए ये नंबर लाइन के राइट हैंड साइड के ऊपर आएगा, ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 में आपने क्या देखना है, स्टेप 2 में आपने इसका डिनोमिनेटर देखना है, ठीक है। डिनोमिनेटर आपको नजर आ रहा है 3 है, कोई भी डिनोमिनेटर हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर 3 नजर आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि जितने भी इसमें ये 0 से 1 के दरमियान जो हिस्सा है, 1 और 2 के दरमियान जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, 2 और 3 के दरमियान जो पोर्शन नजर आ रहा है, ये जब नंबर लाइन ड्रा करने के बाद ये नंबर लिखेंगे तो ये वाले सारे पोर्शन तकरीबन बराबर होने चाहिए, 19-20 का फर्क हो सकता है लेकिन ये बराबर होना चाहिए। तो फिर आपने क्या काम करना है कि यहाँ पे 3 नजर आ रहा है, 3 में से 1 माइनस कर दें, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। तो आपने 2 आंसर आया, ये 0 और 1, 1 और 2, 2 और 3 के दरमियान दो दो छोटी छोटी जो लाइन है वो ड्रा कर दें, जैसे कि मैंने की है, एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है, फिर एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है, एक ये लाइन है, फिर दूसरी ये लाइन है। अब 3 में से 1 माइनस क्यों किया है, 2 क्यों लिखा है, 2 इसलिए लिखा है कि इसमें अगर दो लाइनें आप ड्रा करेंगे तो आपके 3 पोर्शन बन जाएंगे, एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है, यानी कि 3 पार्ट्स में ये वाला हिस्सा डिवाइड हो गया है। हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 है तो इस हिस्से को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 2 लाइनें लगानी पड़ेगी, 2 लाइनें लगाएंगे तो आपका ये वाला हिस्सा जो है 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहली और आखिरी लाइन ऑलरेडी लगी हुई है, इसलिए हमें 2 लाइनें लगानी है, इसलिए मैंने कहा कि 3 में से 1 माइनस कर दें, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। आप 4 है तो 3 लाइन लगाएंगे, अगर 10 है तो फिर 9 जो है लाइन लगाए करेंगे। ये आपका स्टेप 2 है। स्टेप 2 में अब ये सवाल पैदा होता है कि लाइन कितने हिस्से तक लगानी है, ये ऊपर वाले नंबर को देखते हुए आप लगा सकते हैं। अगर नंबर छोटा जैसे 2 है तो यहां तक ही पूरा आ जाएगा, इसको लगाने की जरूरत नहीं। नंबर 5, 10,
15, 20 कोई भी नंबर है, जितना बड़ा नंबर है उस हिसाब से लाइनें लगा सकते हैं। लाइनें अगर ज्यादा लगा देंगे तो इससे कोई मसला नहीं, अगर कम लगाइए जब काउंटिंग करेंगे तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है। अब स्टेप टू भी आपका हो गया कि आपने पार्ट्स को पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब आपके पास होता है स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में आपने देखना है न्यूमिनेटर आपके पास क्या है, ठीक है। न्यूमिनेटर में आपको टू नजर आ रहा है तो यहां पे आपने जीरो को छोड़ देना है, इस हिस्से को आप छोड़ देंगे और ये वाला हिस्सा यहां से शुरू करेंगे वन टू। यहां पे टू आ गया तो ये ऊपर छोटी सी लाइन ड्रा करके टू बाई थ्री लिख दें तो आपका ये जो नंबर रैशनल नंबर है टू बाई थ्री नंबर लाइन के ऊपर यहां पे आएगा टू बाई थ्री। जैसे कि हमने इसको चेक भी किया, टू बाई थ्री को डिवाइड करके चेक किया, 0.666 आ रहा है, यानी वन और टू, वन जीरो और वन के दरमियान आ रहा है, बल्कि जीरो के हाफ से कुछ, यानी हाफ से कुछ ज्यादा ही है, तो 0.6 आ रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाता है। ये इससे भी कुछ अंदाजा हो जाता है, जब नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। तो स्टेप थ्री होगा, इसमें एक बच्चे जो मिस्टेक करते हैं जीरो को नहीं आपने गिनना, लेट्स सी ऊपर लिखा हुआ है क्या कहते हैं सेवन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेवन बाई थ्री, अगर ऐसे लिखा हुआ है सेवन बाई थ्री तो ये तो हिस्सा वही रहेगा सेवन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सॉरी ये वाला जो हिस्सा है ये सेवन बाई थ्री इस जगह पे आएगा, सेवन बाई थ्री इस जगह पे आ जाएगा आपका नंबर लाइन के ऊपर, तो आप इसको यहां पे ड्रा कर देंगे। तो इस तरह आपने रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना सीखा है, और इस तरह के मजीद कुछ क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके दूंगा आपको, ताकि नंबर लाइन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करते हैं ये आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। अब मजीद कुछ क्वेश्चन करेंगे, पहले पॉजिटिव नंबर की है, अब नेगेटिव नंबर के साथ इस नंबर लाइन को समझेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पार्ट टू है, माइनस फोर ओवर फाइव। मैंने जैसे कुछ तीन स्टेप बताए थे, उसमें पहला स्टेप ये है कि आपने नंबर को चेक करना है रैशनल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव कि जीरो के जो नेगेटिव तरफ है यानी लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर ये नंबर रिप्रेजेंट होगा, राइट हैंड साइड के ऊपर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात आपने क्या देखनी है, दूसरी बात देखनी है आपने कि डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है फाइव है, ठीक है। डिनोमिनेटर यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे मैंने डिवाइड करके भी दे दिया है, डिवाइड करके आपको नजर आ गया 0.8 आया, यानी वन से कम है, तो इससे मतलब है कि जीरो और वन के दरमियान किसी जगह भी ये नंबर आ सकता है। तो डिनोमिनेटर आपका फाइव है, फाइव में से एक कम कर दें, फाइव में से एक कम करेंगे तो आपके पास फोर आ जाएगा। तो आपने जितने भी पोर्शन है आगे इन पोर्शन को फोर बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, पांच बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, लेकिन पांच बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के लिए आपको चार लाइनें लगानी पड़ेगी, ठीक है। चार लाइनें कैसे, एक दो तीन, तीन मैंने लाइनें, चार मैंने लाइनें लगाई हैं, एक दो तीन चार, और अब इसमें पोर्शन कितने बनेंगे, एक ये पोर्शन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव इसके पोर्शन बन गए। आगे भी मैंने लाइनें लगाई हैं लेकिन उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर जो नोमिनेटर है वो छोटा है, फोर है, उसको गिन लेते हैं। गिनेंगे आपके पास आएगा वन टू थ्री फोर, फोर यहाँ पे आ गया तो माइनस फोर ओवर फाइव जो है आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपने इसको ऐसे लाइन लगा के रिप्रेजेंट कर देना है कि ये जो माइनस फोर ओवर फाइव है रैशनल नंबर के ऊपर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है माइनस टू होल फाइव ओवर एट। अब आपने सिंपल रैशनल नंबर वाले क्वेश्चन किए हैं, अब एक क्वेश्चन जो मैं होल नंबर के साथ भी आपको समझाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। इस क्वेश्चन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी होल ब्रेक करते हैं, ए टू जर 16, 16 प्लस 5 माइनस 21 ओवर 8, यानी इसे अगर होल ब्रेक करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 21 ओवर 8, माइनस 21 ओवर 8 को अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2.625। इससे मराद है कि ये नंबर जो है माइनस टू और माइनस थ्री के दरमियान कहीं ना कहीं आपको लाइव होता नजर आएगा, इससे कुछ आइडिया हो जाता है बेसिकली कि नंबर आपका कहां आ रहा है। अब आप देखिए नीचे आपके पास 8 है, डिनोमिनेटर में आपके पास 8 है, 8 में से अगर एक माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आएगा, यानी इससे मुराद ये है कि 0 माइनस 1 के दरमियान आपने सात लाइनें ड्रा करनी है, सात लाइनें अगर ड्रा करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि मैंने ड्रा की हुई है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सात लाइनें ड्रा की और आठ बराबर हिस्सों में ये डिवाइड हो गया। अब आपने दूसरा काम, ये तीसरा काम ये करना है, ऊपर लिखा हुआ है माइनस 21, माइनस 21 से मरा दे नंबर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आएगा, ऊपर 21 है तो 21 को गिन लेते हैं। आपने जीरो इसमें शामिल नहीं करना बल्कि जीरो से आगे शुरू करना है, वन टू
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन। 21 यहाँ पे आ रहा है तो आपने क्या करना है, ऊपर आपने लिख देना नंबर माइनस टू होल फाइव ओवर एट। यहाँ भी बच्चे एक मिस्टेक करते हैं कि माइनस 21 ओवर एट को लिखते हैं, ये तो हमने सिंपल करके अपनी आसानी के लिए इसको लिखा है। आपका जो नंबर है रैशनल नंबर वो यही है माइनस टू होल फाइव ओवर एट, तो आपने इसको यही लिख ये यहाँ पे यही लिखना है माइनस टू होल फाइव ओवर एट। ये तो एक तरीका हो गया जो कि हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अब इसका दूसरा मेथड ये है कि आपको नजर आ रहा है माइनस टू होल फाइव ओवर एट, ठीक है, तो माइनस टू को यहां तक रहने दें आप, ठीक है, माइनस टू तो ऑलरेडी मौजूद है, फाइव ओवर एट को हम रैशनल नंबर पर ड्रा कर लेते हैं, माइनस टू तक रहने दें। तो नीचे आपके पास एट है, सात बराबर हिस्से में डिवाइड करें, माइनस टू और माइनस थ्री के दरमियानी हिस्से को डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या है आपको नजर आ रहा है फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, तो ये आपका माइनस टू होल फाइव ओवर एट यहाँ पे आ गया। होल नंबर वालों के लिए ये दो मेथड है, दोनों में से जो भी अप्लाई करें, ये बस बेशक दूसरे मेथड में ये वाले हिस्से को डिवाइड ना करें, बस इससे इस हिस्से को माइनस टू और माइनस थ्री वाले हिस्से को आप जो है बराबर हिस्से में डिवाइड कर लें। इसके निशान ना भी लगाएं तब भी खैर है, इसके निशान लगे होने जरूरी है, और ये लाइन लगा के आपने रिप्रेजेंट करना है कि माइनस टू होल फाइव ओवर एट रैशनल नंबर जो है नंबर लाइन के ऊपर कहां ड्रा करता है। इसी के साथ ही अभी मैंने आपको पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर जो है होल नंबर के साथ भी आपको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करके दिखाया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे।